हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंस्टाग्राम के लिए एक 3D हेड फिल्टर यूजिंग स्पार्क एआर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको 3D असेट की नीड होगी, तो हम एक्सेस करेंगे एआर लाइब्रेरी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड ये पॉपअप ओपन होगा एंड इसके अंदर आपको कैटेगरी चूज करना है 3D ऑब्जेक्ट एंड सर्च में आपको सर्च करना है हेड। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेड असेट मिल जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो मैं एक हेड असेट इंपोर्ट कर लेता हूँ सीन के अंदर। तो मैंने ये चूज कर लिया एंड इसको इंपोर्ट करेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी मेरा डायरेक्ट इंपोर्ट हो रहा है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट साइन अप करना पड़ेगा। आप अपने फेसबुक लॉगिन से साइन अप कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पर एंड उसके बाद एक बार आपने साइन अप कर दिया तो नेक्स्ट टाइम आपको साइन अप करने की नीड नहीं होगी, आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको क्लोज करते हैं। हेड असेट इंपोर्ट हो चुका है। नेक्स्ट इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा सीन के अंदर। बट सी, यहाँ पर ये सेंटर में क्रिएट होता है और लार्ज साइज में प्लेसमेंट होता है, तो इसको मुझे चेंज करना है साइज के अंदर। तो मैं यूज करूंगा प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी में साइज में सेटअप कर लेता हूँ 0.12। आप अपने हिसाब से इस वैल्यू को कस्टमाइज कर सकते हो। बट स्टिल फेस के साथ वो ट्रैक नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पर नीड होगी ट्रैकर के। तो मैं एक ट्रैकर असाइन करूंगा। सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड फेस ट्रैकर इंसर्ट एंड इस 3D असेट को हम ऐड करेंगे फेस ट्रैकर के अंदर। सो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड सी, यहाँ पर हेड ट्रैक हो चुका है फेस के साथ। बट स्टिल कुछ पॉइंट मिसिंग है यहाँ पर, जैसे कैरेक्टर के फेस के फ्रंट में हेड विजिबल हो रहा है, तो इसको मुझे प्लेसमेंट सेटअप करना पड़ेगा और इसके लिए हमें एक ब्लॉक की नीड होगी, ब्लॉक लाइक जस्ट लाइक हेल्पर। सो मैं अगेन असेट के अंदर चूज करूँगा या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस चीज को फ्रॉम एआर लाइब्रेरी। सो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा। हेड ऑक्युलर, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा एंड इसको ऐड करना है सीन के अंदर। तो सी, मैं इसको सीन के अंदर कॉल कर रहा हूँ फेस ट्रैकर के ऊपर। आपको फेस ट्रैकर के अंदर इसको ऐड नहीं करना है, ओके? इस चीज का ध्यान रखना है। देन सी, यहाँ पर थोड़ा सा परफेक्ट इसको फिट करने के लिए मैं क्या यूज करूँगा, ट्रांसलेट एंड रोटेशन ऑल्सो स्केल। तो आप अपने हिसाब से इसको फिट करने के लिए सेलेक्ट हेड, तो असेट की जो पोजीशन है वो आप चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको प्लेसमेंट दूंगा बैक साइड में। नाउ ये परफेक्ट फिट हो चुका है। इसको अगेन रन करते हैं एंड सी। तो यहाँ पर थोड़ा सा साइज वेरिएशन करना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से कोई भी साइज वेरिएशन कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइज स्केल अप करता हूँ
एंड सी। तो यहाँ पर जो भी वेरिएशन होगा यूजिंग पोजीशन, स्केलिंग एंड रोटेशन, तो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट भी कर देता हूँ। यहाँ से आप टूल स्विच कर सकते हो, पूरा मूव, रोटेट एंड स्केल और थ्रू प्रॉपर्टी पैनल। ओके फाइन, तो यह हमारा हेड फिल्टर रेडी हो चुका है। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।